आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपको नेगेटिव एनर्जी से डर लगता है? ऐसे में आप क्या करें, आप काले घोड़े को 1.25 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं और सैटरडे को उसके पिछले दाएं पैर के पीछे वाले राइट पैर के नाल लेकर सैटरडे को ही अपने घर के मेन दरवाजे पर यू के शेप में लगाएं। इससे कोई भी बुरी नज़र या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महापाय को, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कोई आपके खिलाफ कोई नेगेटिव काम कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है? एक नींबू लेकर जिस हाथ जिसके मतलब जिसके ऊपर लग रहा है आपको कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आपका बेटा है, बेटी, आप खुद हैं, तो फिर ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा लीजिए लेमन को। फिर एक चाकू से सिर से पैर तक धीरे धीरे छूते हुए नींबू को बीच से काट दीजिए। दोनों टुकड़े साउथ डायरेक्शन की ओर शाम के समय फेंक दीजिए। सारी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है जानिए। क्या शनि ढैया या 7.5 से परेशान हैं आप? काले चने 1.25 किलो शुक्रवार रात को पानी में भिगो दीजिए। सैटरडे सुबह पानी वाली हंडिया में अपना चेहरा देखकर काले चने घोड़े को खिला दें और पानी पीपल के पेड़ पर डाल दें। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या मनचाहा दूल्हा या दुल्हन चाहिए आपको? 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहले गणेश जी को दें, फिर माँ पार्वती को दें और तीसरा पान स्वामी कार्तिकेय का, चौथा पान नंदी जी को, पांचवा पान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आज के पांचवे और आखिरी महा उपाय को जानने का वक्त हो गया है। क्या लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं आप? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध में घी, शहद और दही मिलाकर शिवलिंग पर एक आंवला रखें, ऊपर से दूध चढ़ा दें। आंवले का मुरब्बा एक पीस शिवलिंग पर रखें और ऊपर से दूध चढ़ाएं। बस 2 चम्मच ही काफ़ी है, बाकी दूध किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें।